हेलो गाइस, वेलकम टू टेक ईयर सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग जो है सैमसंग गैलेक्सी M51 का इंडिया लॉन्च का वेट कर रहे हैं, और फाइनली यहां पर इसका अमेजोन पे लैंडिंग पे जा चुका है। बहुत सारी सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी यहां पर ये स्मार्टफोन को देखा गया है, और यार कन्फर्म 110% कन्फर्म स्पेक्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही में इंडिया में आपको कब देखने को मिल सकता है, क्या प्राइस पॉइंट पे देखने को मिल सकता है, आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ रिगार्डिंग सैमसंग गैलेक्सी M51 के बारे में। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, प्रीवियस वीडियो में हमने पोको X3 के ऊपर यहाँ पर वीडियो बनाए थे, सारे स्पेक्स बताया था, क्या प्राइस पॉइंट पा सकते हैं और वन प्लस नॉट को किल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, सारी चीजों के बारे में बताए थे। तो अगर आप पोको X3 का इंडिया लॉन्च का वेट करो, उसके स्पेक्स वगैरह के बारे में जानना है, तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M51 को लेके। तो यहाँ पर आपको बता दूं, अमेजोन पे लैंडिंग पे जा चुका है, मीनस मॉन्स्टर करके टैगलाइन का इस्तेमाल करा जा रहा है। तो ऑफ कोर्स आप फर्स्ट लुक फ्रंट से देख सकते हो, पहले भी मैंने आपको ये चीज बताया था। साथ ही में सैमसंग ने इंडिया ने यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर पूछे, जैसे कि बैटरी लाइफ कितनी हो सकती है और डिस्प्ले वगैरह आपको कौन सा पसंद आता है वोट करने को बोले, तो वो सारी चीजें तो ठीक है। साथ ही में गूगल प्ले कंसोल पे भी यहां पर ये स्मार्टफोन अभी लिस्ट हो गया था, पर आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन यहां पर दिखाया गया है, 8GB वाला वेरिएंट के बारे में बताया गया है, एज वेल एज यहां पर 730 का प्रोसेसर यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन जो है गूगल प्ले कंसोल पे कभी भी अगर आप देखोगे तो वो सीरीज का यहां पर बताता है, मतलब हीलियो G90T जो फोन में आता है तो वहां पर खाली G90 लिखा हुआ रहता है, तो वैसे ही 730 लिखा हुआ है। तो ये फोन में आपको 110% जो है स्नैपड्रैगन का 730G देखने को मिलेगा। अब इंडिया में कब आ सकता है, तो इंडिया में मैं आपको बता दूं, बताया जा रहा है लीक से 90% जो है ये स्मार्टफोन 10 सितंबर को इंडिया लॉन्च डेट यहां पर इसकी बताई जा रही है। पर ये फोन के स्पेक्स के अगर मैं बात करूं तो आपको बता दूं ये 100% कंफर्म स्पेक्स है, यही स्पेक्स जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर लॉन्च डेट के टाइम पे। पिलो डिजाइन से हम स्टार्ट करें तो यहाँ पर अगेन आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है। सैमसंग इसे कहता है ग्लास्टिक, लेकिन ये है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का आपको बैक पैनल देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो ये पर बड़ा डिस्प्ले दिया जाएगा 6.67 इंच का, एक सेंटर पंच होल के साथ में एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें तो इंडिया में बताया जा रही है 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 6128 और 8128 ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलेगा, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप भी देखने को मिल जाएगी, एज वेल एज LPDDR4X का रैम टाइप भी देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करें, 100% कंफर्म है स्नैपड्रैगन का 730G का चिपसेट देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी पावरफुल चिपसेट है, मिड रेंज में काफी एफिशिएंटली यहां पर ये परफॉर्म करता है, काफी अच्छा है, 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस, और बैटरी लाइफ की डिपार्टमेंट में भी ये काफी बढ़िया सी परफॉर्म कर जाता है। कैमरास की अगर हम बात करें तो M31S जैसे ही आपको सेटअप देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, सोनी का IMX682 का सेंसर रहेगा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 5 का मैक्रो है, 5 का डेप्थ सेंसर है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, स्लो मोशन वगैरह के फीचर देखने को मिल जाएंगे। अगेन 32 मेगापिक्सल का जो है सेल्फी कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड वर्जन UI की अगर हम बात करें, आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिलेगा, और यहां पर भी आपका वन UI पे यहां पर ये रन करेगा। नॉक सिक्योरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी भाई, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ओवर प्राइस स्मार्टफोन, मतलब थोड़ा महंगा प्रीमियम मिड रेंज वाला रहेगा, तो मे बी नॉक सिक्योरिटी आपको मिल जाए, वो तो फोन आने के बाद में हमें पता चलेगा। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, यार इन डिस्प्ले देना चाहिए था एमोलेड के साथ में। साथ ही में फेस अनलॉक का फीचर मिल जाएगा, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट भी मिल जाएगा। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो ये फोन का हाइडिंग फीचर और इसको यहां पर टारगेट, मतलब कस्टमर लोगों को टारगेट करेगा कि यहां पर आपको 7000mAh की मॉन्स्टर डबल मॉन्स्टर आपको बैटरी या बाटरा या जो बोलना आपको बाटला जो बोलना बोल सकते हो, 7000mAh की बैटरी है यार, मतलब टाइप सी बोर्ड के साथ में 25W के आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के 100% कंफर्म स्पेक्स यही आपको देखने को मिलेंगे सितंबर के सेकंड वीक में, जब ये लॉन्च होगा, बताया जा रहा है 10 सितंबर के आसपास लॉन्च होने वाला है। साथ ही में प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो M31S का बेस वेरिएंट आपको 19,500 रुपए का देखने को मिलता है, तो इसको सस्ता मत समझना, क्योंकि एक्सिनोस 9611 खुद की घर की खेती
रहती है तो आप इतना प्राइस पॉइंट सैमसंग ले रहे हैं तो उसमें भी आपको काफी एक्सपेंसिव देखने को मिलेगा। मे भी अराउंड बताया जा रहा है डीक्स अकॉर्डिंग 24,000 रुपीज में आपको देखने को इंडिया में मिलेगा इसका बेस वेरियंट। तो 24,000 रुपए के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो जो सैमसंग लवर है उनको 25,000 रुपए के अंदर का बजट है तो वो लोगों के साथ में स्नैप ड्रैगन का प्रोसेसर और सारी चीजों को देखते हुए उनको काफी पसंद आएगा। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 24,000 रुपए में अगर गैलेक्सी M51 ये सारे स्पेक्स के साथ में आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं तो क्या आप ये फोन की तरफ जाओगे या मार्केट में और कोई ऑप्शन देखोगे K20 Pro और बाकी के OnePlus Nord वगैरह के साथ में जाओगे? आपके यहाँ पर क्या ऑनेस्ट ओपिनियन ये फोन को लेके मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। होप कमेंट्स आपको पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।